वार्ता करते हुए कहा है कि सत्यपाल मलिक के द्वारा दिए गए इंटरव्यू में मोदी सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रख दी है। 2018 और 2019 के बीच में जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल थे, उन्होंने कल एक टीवी इंटरव्यू में काफी कुछ सनसनीखेज खुलासे किए हैं और इसको दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जो सत्य का, जो अपने आप को सत्य का पालनहार मानते हैं, वो सत्यपाल मलिक जी की इंटरव्यू को दबाने में लगे हुए हैं, पर ये सच्चाई दबेगी नहीं और इसको हम आगे ले चल रहे हैं। पर आप जानते हैं दोस्तों कि जब कभी कोई गंभीर मसला उठता है हमारे देश में, संसद के अंदर या संसद के बाहर, प्रधानमंत्री का एक ही जवाब है, चुप्पी। चीन पर चुप्पी, अडानी पर चुप्पी, काले कानून पर भी आपको याद होगा करीब एक साल तक चुप्पी था। बाद में जब मजबूरी से उनको वो काले कानून वापस लेने पड़े, कृषि काले कानून, आपको याद होगा। तो ये चुप्पी तोड़ने का वक्त है, पर इस सरकार का सिद्धांत तो यही है, मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम चुप्पी, क्योंकि ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, ये सरकार के विफलता से जुड़ा है, ये सरकार के नकारेपन से जुड़ा है। आप अपने लिए दो दो हवाई जहाज खरीद सकते हैं 8-8 हजार करोड़ रुपए के, एक इमारत बना रहे 20 हजार करोड़ रुपए की, और 5 हवाई जहाज आप नहीं दे सकते। 78 गाड़ियों का काफिला जोखिम झेलता हुआ जम्मू से श्रीनगर जा रहा है। आज सरकार को इस पर सवाल का जवाब देना है। तत्कालीन गृहमंत्री भी बोले और प्रधानमंत्री भी बोले, जो सत्यपाल मलिक जी ने कहा है उसने पूरे देश को सकते में डाल दिया है, पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। क्योंकि सत्यपाल मलिक जी, जैसा कि जयराम जी ने कहा या पवन जी ने कहा, यह कोई आम साधारण व्यक्ति नहीं है। यह जम्मू कश्मीर के 2019 के गवर्नर राज्यपाल थे जब यह हमला हुआ। ये गोवा के राज्यपाल रहे, ये मेघालय के राज्यपाल रहे, बिहार के राज्यपाल रहे, और इनकी काफी निकटता, ये विश्वास पात्र थे प्रधानमंत्री का। फर्स्ट नेम टर्म पर इन लोगों की बातें होती हैं, और ये वो बात कह रहे हैं, इस बात की पुष्टि ये कर रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूं कि एक बार 2019-14 फरवरी को याद करिए, 3:15 बजे ये हमला हुआ, खबर आई, लखनऊ में प्रियंका गांधी जी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो प्रभारी उत्तर प्रदेश ईस्ट बनकर गई थी, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करी। राहुल गांधी जी का एक भोज था G20 राजनयिकों के साथ, उन्होंने वो कैंसिल किया। लेकिन आपको पता है कि हमले के 2 घंटे बाद भी अमित शाह जी ने रैली करी और प्रधानमंत्री मोदी कॉर्बेट नेशनल पार्क में बेयर ग्रिल्स के साथ मैन वर्सेस वाइल्ड शूट कर रहे थे। और यह शूट रुका नहीं, यह शूट शाम को लगभग 7 बजे तक चलता रहा, जिसके बाद सत्यपाल मलिक जी का यह कहना है कि उन्होंने सत्यपाल मलिक जी को फोन किया और पूछा क्या हुआ, और जब गवर्नर ने असलियत से उनको वाकिफ कराया कि यह हमारी लापरवाही के चलते, यह हमारी नाकामी है, एक गवर्नर को कहा गया तुम चुप रहो, और एक बार नहीं उनको बार बार चुप रहने की धमकी दी गई, और यह भी साथ में कहा गया अगर तुम कश्मीर पर बोले, इस मामले पर बोले, तो मैं तुमसे मिलूंगा नहीं। उन्होंने खुलासे किए आपकी कि करप्शन पे जब वो आपके पास शिकायत करते थे गोवा में, खासतौर पर जब वो गोवा के राज्यपाल थे, और भ्रष्टाचार पे उन्होंने आपकी संज्ञान में कुछ जानकारी लाई, तब आपने क्या किया? आपने ना केवल नजरअंदाज किया, आपने उनको आनन फानन में हटा दिया, स्पेशल एयरक्राफ्ट भेजा कि जल्दी से जल्दी उनको गोवा से शिफ्ट कर दिया जाए, मेघालय भेज दिया जाए, या जहां भी भेजना था वहां भेज दिया जाए। पुलवामा पे जो कहा उन्होंने तुम चुप रहो, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमें मालूम है आप कैमरा प्रेमी व्यक्ति हैं, जिम कॉर्बेट में थे जब आप ये पुलवामा का की दुखांतिका हुई, जहां 40 जवान हमारे शहीद हुए। एक ढाबे पर आकर उन्होंने सतपाल मलिक जी को फोन किया और बोला कहो सतपाल क्या हुआ। फिर जब इन्होंने कहा कि हमारी लापरवाही से हुआ है,
तो कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। ये शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कोई और चीज है। ये क्या चीज है ये आप लोग बेहतर समझते होंगे। सतपाल मलिक जी ने कई चीजें कही हैं और कई चीजें कहते कहते रुक गए हैं। उनकी चुप्पी बहुत बड़ी खबर बनती है, जो उन्होंने कहा उससे भी बड़ी खबर उनकी चुप्पी भी बनती है। कहां वो चुप हो जाते हैं, कहां वो शब्द रोक देते हैं, कहां वो लिहाज रख रहे हैं, ये सब समझने वाली बातें हैं। एनएसए की क्या भूमिका रही, एनएसए ने भी इनको सलाह दी कि इस पर आप कुछ मत बोलिए, लापरवाही के बारे में कुछ मत बोलिए। जिस देश का प्रधानमंत्री अपने 40 जवानों की शहादत पर वहां के राज्यपाल को कहता है कि कुछ मत बोलिए, उस देश का क्या दुर्भाग्य है वो आपके सामने है। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के बारे में इग्नोरेंट और इल इन्फॉर्म्ड हैं, ये सत्यपाल मलिक जी इल इन्फॉर्म्ड शब्द उनके हैं। इतना महत्वपूर्ण राज्य, इतना संवेदनशील राज्य, लेकिन प्रधानमंत्री का एटीट्यूड क्या है, मस्त में है अपने, मस्ती में है अपने, टू हेल विथ इट। ये सब सत्यपाल मलिक जी के। सत्यपाल मलिक जी ने जो कल इंटरव्यू दिया है, आरोप बहुत गंभीर है और एक ऐसे व्यक्ति से आ रहे हैं जो एक सीनियर नेता भी है, पूर्व राज्यपाल भी है और इतना करीबी प्रधानमंत्री के रहा था कि जब 370 हटाया जा रहा था तो एक संवेदनशील दौर में एक संवेदनशील राज्य के वो राज्यपाल बनाए गए, तो कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा, कुछ करीबियां रही होंगी, विश्वासपात्र रहे होंगे। तो कोई ये भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के 2 रुपए के ट्रोल तो है नहीं कि उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया जाए। गंभीर बात कर रहे हैं, विस्फोटक इंटरव्यू है। 4-5 उन्होंने महत्वपूर्ण और प्रमुख मुद्दे उठाए हैं। जो कोर्ट अभी आपने उनका देखा कि मैं सेफली कह सकता हूं प्रधानमंत्री जी को करप्शन से बहुत नफरत नहीं है। आज सत्यपाल मलिक जी की स्थिति क्या है, पहले उस पर 2 मिनट बात कर लें, 1 मिनट। किराए के मकान में दिल्ली में रह रहे हैं, 1 PSO के साथ। हमें मालूम है प्रधानमंत्री जी को सत्य की आवाज से ज्यादा मधुर गुलाम की आवाज लगती है, तो सत्यपाल जी को 1 PSO दे रखा है। जिस व्यक्ति की देखरेख में 370 हटाया गया, जिस पर भारी खतरा है, उस व्यक्ति को आपने 1 PSO दे रखा है। दिल्ली के एक कोने में किराए के मकान में वो रह रहे हैं। आप अपने कुछ समाज में जहर घोलने वाले एंकर्स, ऐसे फिल्म निदेशक जो आपकी चाटुकारिता करते हैं, और ऐसे अभिनेता जो आपकी स्तुतिगान करते हैं, उनको आपने एक्स वाई जेड अलग अलग तरह की सिक्योरिटी दे रखी। सत्यपाल मलिक जी को आपने क्यों छोड़ दिया है ऐसे खतरों के मुंह में, पहले हम यह आपसे जानना चाहते हैं।